हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज एंड पेंट जीरो पर आपका स्वागत है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा तो वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड आप हमारे चैनल के माध्यम से क्लास टें के ऑल सब्जेक्ट की फ्री pre प्रिपरेशन कर सकते हैं ठीक है आप हमारे चैनल के माध्यम से मॉडल पेपर क्यूचन बैंक तो वी वी आई सब्जेक्ट क्यूचन वी वी आई ऑब्जेक्टिक क्यूचन सभी सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास साइंस का वी वी आई क्यूचन ठीक है जो कि एक नंबर वाला क्वेश्चन में पूछा जाता है ठीक है तो चलिए हम शुरू करते हैं फ्रेंड हमारा पहला क्वेश्चन है उस विधि का नाम बताइए जिसके द्वारा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं को निष्कर्षित किया जाता है ठीक है यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है हमें बताना है कि वह कौन सी विधि होती है जिसके द्वारा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं को निष्कर्षित किया जाता है वह कौन सी विधि होती है फ्रेंड तो उस विधि का नाम है विद्युत अपघटनी अपचयन ठीक है विद्युत अवघटनी अपचयन विधि द्वारा क्या किया जाता है धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है क्या किया जाता है सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर जो स्थित रहते हैं धातु उनका क्या किया जाता है निष्कर्षण किया जाता है किस विधि द्वारा विद्युत अवघटनी अपचयन विधि द्वारा क्लियर है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है धातुओं के निष्कर्षण में सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले एक सस्ते अपचायक का नाम लिखिए ठीक है ठीके? एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग देखिए क्या बोले कि धातुओं के निष्कर्षण में जब धातु का निष्कर्षण किया जाता है तो उसके सामान्यतः जो उसके उपयोग में लाए जाने वाले एक सस्ते अपचायक का नाम लिखें इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन कार्बन जो क्या है कार्बन एक क्या है सस्ता अपचायक है जो कि धातु के निष्कर्षण के उपयोग में लाया जाता है कहाँ लाया जाता है इसका उपयोग क्या होता है धातुओं के निष्कर्षण के उपयोग में लाया जाता है कि इसको कार्बन को ठीक है आपको यहाँ से याद रखनी है कार्बन को कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है सिक्स इसका इलेक्ट्रॉनिक हैं तो कितना हो जाएगा दो और चार्ज है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आती होगी यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आती है तो आप कमेंट करें हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेसिक से आपको हम पढ़ा देंगे क्लियर है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बोल रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड कौन सी है तथा शुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड कौन से ठीक है ठीके? जब विद्युत ही बनाया जाता है तो उसमें अशुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड कौन से होती है तथा शुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड कौन से होती है तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं देखिए पहला अशुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं ठीक है एनोड मतलब क्या होता है प्लस और कैथोड मतलब माइनस ठीक है आप आप ऐसे पढ़ेंगे प्लस माइनस बट यहाँ पर आपको साइंस में पढ़नी है एनोड तथा कैथोड एनोड मतलब प्लस और कैथोड मतलब माइनस ठीक है आपको सारी जानकारी याद रखनी है तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि अशुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड को एनोड बनाते हैं ठीक है जो अशुद्ध धातु से जो इलेक्ट्रोड बनी होती है उसे क्या बनाते हैं फ्रेंड उसे एनोड बनाते हैं और जो शुद्ध धातु से बने इलेक्ट्रोड को कैथोड बनाया जाता है ठीक है जो शुद्ध धातुओं से बने जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन्हें क्या किया जाता है कैथोड बना बनाया जाता है तथा तो अशुद्ध धातुओं से एनोड बनाया जाता है क्लियर है फ्रेंड यहां तक चलिए अगला क्वेश्चन वो चलते हैं टॉप तो बीवीआई क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पर एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन पूरा है कि दो धातुओं के नाम लिखिए ठीक है थीके? दो धातुओं के नाम लिखिए जो उष्मा की सर्वाधिक चालक है ठीक है अब चालक से यहाँ पहले हम समझ लेते हैं उष्मा की सर्वाधिक चालक है सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक और चालक का मतलब हो गया कि जो विद्युत धारा का प्रवाह करता हो जो अपने अंदर विद्युत धारा को प्रवाह होने देता हो जो अपने अंदर क्या करता हो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने देता हो ठीक है तो बोले कि दो धातुओं के नाम लिखिए जो ष्मा की सर्वाधिक चालक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी कॉपर ठीक है चांदी तथा तो कॉपर चांदी और कॉपर दो ऐसे धातु हैं जो क्या है उष्मा का सर्वाधिक चालक है ठीक है यह उस धार का सबसे ज्यादा प्रवाह करते हैं कौन चांदी और कॉपर क्लियर है फ्रेंड यहाँ से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं अगला क्वेश्चन है दो सबसे अधिक अघातवर्ध धातु का नाम लिखिए ठीक है दो सबसे अधिक अघातवर्ध धातु का नाम लिखिए अब यहाँ से आपको पता यदि है तो आप करें करेंगे आघात वर्धरत्य का मतलब क्या होता है ठीक है अघात वर्धरत्य का, का मतलब क्या होता है अघात वर्धरती का डिफ्रेंसन होता है कि वैसे धातुओं का वैसा गुण जिसे हम पिट कर एक पतले चादर के रूप में बना सकते हैं उसे अघातवर्य कहते हैं क्या कहते हैं अघात व धर्य कहते हैं धातुओं का वैसा गुण जिसे हम पीट कर एक पतले चादर के रूप में बना सकते हैं उसे अघात व कहते हैं ठीक है तो सोना तथा चांदी दो ऐसे धातु हैं जो सबसे अधिक अघात व धातु होते हैं ठीक है सोना तथा चांदी को पीट कर बहुत बारीकी परत बनाई जा सकती है ठीक है और ये आपको पता होना चाहिए कि दस ग्राम सोने से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है कितने तक 10 ग्राम सोना से 2.5 से 3 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है क्लियर है फ्रेंड चलिए अगला क्वेश्चन आप चलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ठीक है देखिए जितना भी क्वेश्चन है हम सभी क्वेश्चन को आपको आंसर बताते चलेंगे तो इसके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होंगे हम सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाते चलेंगे ठीक है बोला कि दो ऐसे धातुओं के नाम लिखिए ठीक है आपको दो ऐसे धातु के नाम लिखने हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ठीक है वे धातु हैं लेकिन उन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं जिसका तो इसका आंसर होगा सोडियम तथा पोटेशियम ठीक है सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु होते हैं ठीक है सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं चाकू से आसानी से काट सकते हैं ठीक है फ्रेंड तथा इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी धातु है क्लियर फ्रेंड यहाँ से अब यहाँ से हम आपको बता दें कि यदि आपसी एग्जाम में पूछे कि दो ऐसे धातु के नाम लिखिए जिन्हें हम मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं यानी कि क्रोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम तथा पोटेशियम देखिए सोडियम और पोटेशियम चाकू से आसानी से तो काट सकते हैं ठीक है लेकिन इन्हें मिट्टी के तेल में भी डूबो कर रखते हैं क्यों रखते हैं क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो ऑक्सीजन से क्या करते हैं बहुत जल्द अभिक्रिया कर लेते हैं और अभिक्रिया करने के पश्चात वह आग उत्पन्न करने लगते हैं ठीक है इसलिए सोडियम तथा तो पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डूबो कर रखते हैं और सोडियम तथा तो पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जिन्हें हम लोग आसानी से क्या करते हैं चक्ू से काट सकते हैं क्लियर है फ्रेंड यहाँ से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है उन दो धातुओं का नाम लिखिए ठीक है थीके? उन दो धातुओं का नाम लिखिए जिनका गलनांक इतना कम होता है कि हाथ रखने पर ही वे पिघल जाती है ठीक है दो धातु का हमें नाम लिखना है कि जिनका गलनांक इतना कम होता है कि यदि हम उन धातुओं पर यदि अपना हम हाथ रख देते हैं तो वह क्या होते हैं वो पानी की तरह पिघलने रखते हैं तो वे दो धातु हैं एक गैलेनियम और एक सीजियम ठीक है गैलेनियम और सीजियम गैलेनियम और सीजियम दो तो ऐसे धातु हैं कि यदि इन धातुओं पर यदि आप अपना हाथ भी रखते हैं तो क्या होते हैं यह लिक, यह लिक्विड की तरह पिघलने लगते हैं ठीक है क्लियर है यहाँ से चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक धातु तथा एक अधातु का नाम बताइए ठीक है एक धातु का नाम और एक अधातु का नाम हमें हाँ बताना है जो कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है ठीक है एक धातु और एक अधातु का हमें नाम बताना है जो कक्ष ताप पर क्या होती है लिक्विड अवस्था में पाई जाती है ठीक है वह पानी की तरफ पाई जाती है तो देखिए धातु में पारा जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है और अधातु में ब्रोमिन जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है ठीक है कौन कौन से धातु में पारा द्रव अवस्था में लिक्विड अवस्था में पाई जाती है और अधातु में ब्रोमिन लिक्विड अवस्था में पाई जाती है क्लियर फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जिसकी सतह चमकदार होती है ठीक है वह क्या है वह एक नॉन मेटल है लेकिन उसकी जो सतह होती है वो क्या होती है चमकदार होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन ठीक है आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसकी सतह क्या होती है चमकदार होती है क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धातु एवं अधातुएं किस प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं ठीक है धातु एवं अधातु किस प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं तो इसका आंसर होगा देखिए धातु जो होते हैं वह क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं ठीक है जो धातु होते हैं जो मेटल होते हैं वह क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं जबकि जो अधातु होते हैं वह अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं ठीक है यहाँ से आपको याद तक नहीं है धातु क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं तो क्लियर है फ्रेंड तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और यदि आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर पता ना हो आप उसे अच्छे से पढ़ लें ठीक है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कहाँ पे दिक्कत होती है कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत होती है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में